कौन है वो दुश्मन जो हमरा पीठ में खंजर मारा, दिन दहाड़े हमरा भाई को जलता हुआ भट्टी में झोंक दिया? तुम इधर का रिटायर्ड डीआईजी होकर भी उसका पता नहीं लगा सका? क्या करूं राजा साहब, जिस किसी को भी पूछता हूँ कहता है पता नहीं कौन था। अरे तू तो ऐसा बोल रही है जैसे वो कोई धरती का प्राणी नहीं है, आसमानी मुसीबत थी। राजा साहब कौन है ये? रणवीर, अरे इसके गले में कोई तीर भी लटक रही है। अरे निकालो भैये, लगता है दुश्मन का कोई संदेश आया है। तुम्हारी तलाश हूं मैं, ब्रिजवा की मौत का जिम्मेदार हूं मैं, और ये लाश भी मैंने ही भेजी है। लेकिन कितने अफसोस की बात है, तुम कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये आदमी 20 साल पहले कानून की किताब में मर चुका है। तुम सोच रहे होगे कि किसकी आवाज है, तुम्हारी मौत की आवाज है, और ये आवाज अब तुम्हें जीने नहीं देगी। हर पल हर घड़ी तुम और तुम्हारे साथियों को उनकी तरफ बढ़ती हुई मौत का एहसास दिलाएगी, क्योंकि मैं इंतकाम का एक ऐसा दहकता हुआ कोयला हूं जिसकी उठती हुई आग की लपटों में तुम सबकी जिंदगियां आ चुकी हैं, और इस जलते हुए कोयले की आग में तुम सब बारी बारी चलकर राख हो जाओगे। रणबीर के बाद दिलावर, फिर डीआईजी, और फिर राजा। मेरा नाम नहीं लिया राजा साहब, तुम सब लोग चले जाओगे, मैं अकेला रह के क्या करूंगा राजा साहब। बैठ। कौन हो सकता है ये दुश्मन? हेलो दिलावर, तुम्हारी जान को खतरा है। खतरा? किस बात का खतरा राजा साहब? तुम्हारा पीछे कोयला पड़ा है। कोयला? कौन कोयला? वही जो आग लगा देता है, जलाकर भस्म कर देता है। ओफो राजा साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रणवीर हमरा सामने लेटा हुआ है। लेटा हुआ है? मर गया है वो। मर गया? किसने मारा उसे? कोयला। हाँ, कम फास्ट हवेली ब्लडी फूल। तुम? वो मुझे जान से मार डालेगा। वो मुझे जान से मार डालेगा। कौन जान से मार डालेगा? कोयला। कोयला? हाँ वही, जिसने तुम्हारे दोस्त रणवीर को राख कर दिया। क्या? चलो चलो, चली चलो। अरे दाई, बाएं चलो बाएं। लेकिन राजा साहब की हवेली तो इस तरफ है। वहीं से तो आ रहा है। चलो बाएं चलो बाएं। रुको रुको, नहीं रुको। ये मुझे तुम कहाँ ले आई हो? ये तो कोले की कान है। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें हीरे की कान में लेके जा रही हूँ? मगर मुझे यहाँ क्यों लाई हो? तुमसे कोई अकेले में मिलना चाहता है। मुझसे कौन मिलना चाहता है? शंकर। शंकर? कौन शंकर? हरिया का बेटा, जिसके मुंह में तुम लोगों ने जलता हुआ कोयला डाल दिया था। है? शंकर। क्या? चाबी। Thank you.
लटक नहीं रही है बेटे, ये तो झूला झूल रही है। बड़े बदले लिया है। दिलावर, 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 सही पहचाना, ये वही दिलावर है जिसने आज से 20 साल पहले हरिया का खून किया था, और इस डीआईजी ने दिलावर को गोली मारने का ढोंग रचाकर उसकी कहानी खत्म कर दी थी। गार्ड्स, पता लगाओ ये कौन बोल रहा है। मजदूर भाइयों, हरिया और उसकी पत्नी की हत्या करवाने वाला असली गुनेगार राजा है, राजा है, राजा है, राजा है। गलत, झूठ बोल रहा है ये। कोयले की खान से निकले हुए हीरो पर अपना कब्जा जमाने के लिए इस कमीने राजा ने दो मासूम जिंदगियों का खून किया था। बकता है ये भाइयों, बकवास कर रहा है। इंसान की खाल में छुपा हुआ भेड़िया है ये, मजदूरों का खून बहाने वाला दरिंदा है ये। कौन है रे तू, सामने क्यों नहीं आता? मैं चश्मदीद गवाह हूं तेरे जुर्म का। तेरे हुक्म पर मेरे माँ बाप की हत्या की गई, और जब मैंने उस जुर्म की गवाही देनी चाही, तूने मेरे मुंह में जलता हुआ कोयला डालकर मेरी आवाज छीन ली। और जब इन आंखों ने उन कातिलों को पहचाना, तूने और डीआईजी ने उन कातिलों की मौत का ढोंग रचाकर मेरी और इन सब की आंखों पर विश्वास की पट्टी बांध दी। 20 साल तक बिना आवाज के, बिना मां बाप के, एक अनाथ, लाचार, बेबस गुलाम की तरह, कुत्ते की तरह तेरे दरवाजे पर वफादारी करता रहा, शैतान को भगवान समझकर पूछता रहा, लेकिन वक्त ने आज मेरी आंखों से पट्टी उतार दी है। मेरा गुनहगार है तू। वाह वाह, मजदूर भाई लोगों, सबसे बड़ा गुनहगार तो ये खुद है जो हमरा नौकर होकर हमरा जोरू भगा के ले गया। सजा से बचने के वास्ते एक कहानी बना रहा है। कहानी ये नहीं, कहानी राजा बना रहा है। मैं कभी इसकी पत्नी थी ही नहीं। इसने जो मेरे साथ शादी की है वो धोखा था, चालबाजी थी। बोलो। हाँ, ये सच है कि हमने रुपयों के लालच में आकर गौरी को शंकर की तस्वीर दिखाकर इसे शादी के लिए राजी किया था। बोल राजा, ये सच है कि नहीं? अरे ये क्या बताएगा, अब मैं बतला रहा हूँ। इसने सिर्फ गौरी को ही नहीं फंसाया, तो गांव में जितने बलात्कार हुए, जितने खून हुए, उन सबका जिम्मेदार ये है। आज पकड़ा गया भैया, आज पकड़ा गया। बैठ। सॉरी भैया सॉरी, बापू ने पार्टी बदल ली है। अबे राजे के बच्चे, कल तक बापू तुझको गोलियां खिला रहा था, अब कोयले खिलाएगा कोयले। मारो साले को।
बिलाड़ी फूल। जिंदगी दिया हूँ खुद को मौत से बचाने के लिए। देखो शंकर, हमरा धर्म में मरने के बाद ही जलाया जाता है, तुम हमको जिंदा नहीं जला सकता। ये कहानी तूने शुरू की थी मेरे मुंह में जलता हुआ कोयला डालकर, और आज यही जलता हुआ कोयला तेरी चिता की आग बनकर उस कहानी को खत्म करेगा राजा। नहीं शंकर, नहीं शंकर, ना, हम तुमको हाथ जोड़ता हूं रे, ना, नहीं, 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 नहीं।